डैम 1988 का रिकॉर्ड टूटा। बाकड़ा बांध में सोमवार सुबह 1,00,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी आने से 1988 में बना आमद का रिकॉर्ड टूट गया। बाकड़ा से सोमवार को 1.44 लाख क्यूसिक पानी और छोड़े जाने के बाद सोमवार को सूबे में बांध कई जगह से टूट गए। इससे जलंधर और रोपड़ के गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। फिलौर और शाहकोट के अंतर्गत आते 102 गांव व रोपड़ के 28 और गांव में 5 से 6 फीट तक पानी फैल गया। लुधियाना, खन्ना, नवाशहर, जगराओ और तरन तारण के गांव की हालत नाजुक है। देखें पंजाब के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ ने किस तरह तबाही मचाई। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬਰੀਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭੋਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਦੀ RD 14,000 ਆ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ RD 20,000 ਆ, ਇੱਕ RD 31,000 ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਵਾਲਾ ਅਤੇ 32,000 ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਫਾਲ। ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਰਸੀਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। NDRF ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। हिमाचल और पंजाब में बारिश के चलते रोपड़, नवाशहर और लुधियाना में सतलुज दरिया ने तबाही मचाई। सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रोपड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों और IIT के बच्चों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब पहाड़ी क्षेत्र में बारिश बंद है, जो राहत की बात है। बाढ़ से रोपड़ के करीब 3,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। उनके रहने के लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। बंदे का घर टह गया और लोग दूर लड़ रहे थे कि तू अपने घर बचाने वास्ते तू द्वार तोड़ती साडे घर पानी आ गया। इट इज़ ट्रू के लॉट ऑफ दिस जो फ्लड्स आए हैं जिते नुकसान होया है, जी घर घुट बने ने, कॉलोनीज बनिया ने, अनरेगुलराइज कॉलोनीज बनिया ने, नुकसान होया, दैट इज़ वाटर फ्लो रुकया होया, दैट इज़ ट्रू। लेकिन हम तुम की सुजैसट करते हो असी रेगुलराइज ना करिए, असी अगर तोड़ांगे आप गरीबों को कढ़ सकते हैं उतो। सो वी हैव टू फाइंड अ वे कि दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा कि पानी का बहाव भी चले और लोगों के घर भी असी।